रहीसी अध्यक्ष पद मां नाग करवट महिला प्रत्याशी श्रीमती सिया रानी पत्नी श्री संतराम प्रजापति बीजेपी से हैं। इन्होंने पानी की समस्या पर पुस्तकालय लाइब्रेरी और गड्ढों और तमाम समस्याओं पर इन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इन्हीं के सवाल। लाइब्रेरी की व्यवस्था अच्छी अच्छी की जाएंगी, बुजुर्गों के लिए पार्क की व्यवस्था, नगर मिलाई की विशेष व्यवस्था, रेहड़ी पटरी मजदूरों के लिए भी सही ढंग से व्यवस्था की जाएगी, उनको उचित स्थान दिया जाएगा ताकि यातायात भी डिस्टर्ब ना हो और उनका भी काम सही से चले। हम हर तबके के इंसान के साथ खड़े हैं और उनको आगे भी कोई दिक्कत ना हो, उनसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सके जो नगर पंचायत कबरई के अंडर में आती हो। हम सिर्फ और सिर्फ नगर का विकास करने के लिए राजनीति में आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नहीं सुबह, मैं हूं अमीर सिंह। आप तो जानते हैं भारतीय कोने कोने में घूमते रहते हैं और आपको हर जगह की खबरें दिखाते हैं, और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं श्री ये संत राम प्रजापति जी हैं, श्रीमती सिया रानी जी के हस्बैंड हैं, और ये अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चेयरमैन के चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं। यहाँ से जानेंगे यहाँ पर मूलभूत क्या क्या खबरें हैं, समस्या है जो आप दूर करेंगे। जी, यहाँ सबसे पहले पानी की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है जी। पानी में कुछ बाढ़ ऐसे हैं जो बहुत लोग परेशान हैं जी। जिंदा नगर जी, आपका मेन मार्केट जी, आपका भगत सिंह नगर जी, पानी से ज़्यादा परेशान है जी। और बच्चों के लिए हमारे यहाँ खेल के मैदान नहीं है कहीं के, जहाँ बच्चे जो है खेल सकें जी। बूढ़े बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए कोई पार्क नहीं है जी, कि वो अपना शाम सुबह जो है टहल सकें जी। और जैसे कि क्या करने का सोचा आपने सबसे अलग, जैसे और भी बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने आप को अलग मानते हैं? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना चल रही है जी, जो यहाँ पर कम गति से चल रही है जी, नाली खड़ंजा रोड जितने भी बकाए रह गए हैं जी, सरकार की जो योजना है उनको पूर्ण करने के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जो आप आने वाली 11 तारीख को आपका चुनाव चिन्ह कितने नंबर पर है, क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्या अपील करना चाहेंगे अगर जनता आपको चुन के लग जाती है? मेरा 4 नंबर पे जी, भारतीय जनता पार्टी से मेरी पत्नी प्रत्याशी है जी, फूल निशान है उनका, वही 4 नंबर पे मेरा निशान है कमल का जी, उसी से जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि मुझे कमल पे निशान लगा के वो मोहर लगा के जी और विजयी बनाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि इनका साफ कहना है, अगर जनता इनको चुन के लाती है तो क्षेत्र में यहाँ पर इस नगर में जो जो कमियाँ हैं, पानी की, बिजली की, स्वास्थ्य की, सब पर वो खरा उतरेंगे, और युवाओं के लिए भी वो एक मैदान बनाएंगे क्रिकेट के लिए, खेलने के लिए, और ताकि युवा यहाँ के आगे बढ़ सकें, खेल में भी बहुत जगह भविष्य बना सकें, और बुजुर्गों के लिए उन्होंने एक पार्क का भी सोचा है, जिस तरीके से यहाँ पर ये सबसे हटकर काम करेंगे, जो भाजपा की नीतियाँ हैं उसी के हिसाब से अगर जनता इनको मौका देती है। मैं फिर आऊँगा किसी खास मेहमान के साथ, मेरे सहयोगी, मेरे कैमरामैन देव मलिक के साथ, हम वीर सिंह, मीडिया नई सुबह, कबरई, उत्तर प्रदेश। बाकी हम आप प्रभारी जी हैं, यहाँ पे कबरई का प्रभारी बनाया गया आपको चुनाव के लिए, तो क्या अपील करना चाहेंगे 11 तारीख को लेके आप कबरई की जनता प्रतिनिधियों से? मैंने 6 महीने में बराबर यह महसूस किया है कि कबरई की जनता बहुत ही भोली भाली और विकास के लिए उत्सुक है, तो मैं जनता से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, बल्कि नमन और वंदन करते हुए अपील करूंगा कि वह 11 तारीख को श्रीमती सिया रानी के पक्ष में कमल के फूल पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं, एवं 15 वार्डों में भी हमारे पूरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के घोषित हैं, उनको विजयी बनाने के लिए भी हर वार्ड में कमल के फूल पर मोहर लगाकर विजयी बनाए, 15 और 16 कमल खिला करके हमें ऊपर जो है माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की झोली में डालना है। मेरी जनता से यही, सम्मानित जनता से यही अनुरोध है, और उनको पुनः मैं वंदन अभिनंदन। धन्यवाद आपका।